प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय में आपका स्वागत करता हूं। ये जो व्हाट्सएप समूह है आनंदम, इस समूह के लिए मैं ग्रुप मेंटर नियुक्त हुआ हूं और आप जो प्रथम वर्ष बी सेक्शन के जो 51 से लेकर के 100 क्रमांक तक के जो विद्यार्थी हैं वो इस समूह के क्या हैं, मेम्बर्स हैं। प्रिय छात्रों, आज जैसा कि आपको पता है कि आप सभी का महाविद्यालय के सत्र 2020-21 के लिए बीए पार्ट प्रथम वर्ष के सेक्शन बी में प्रवेश हुआ है और ये जो समूह बनाया गया आनंदम, इस आनंदम समूह में इस सेक्शन बी के क्रमांक 51 जो कि लवकुश गुजर से शुरू होता है और क्रमांक 100 जो कि मनचेती नरेशी मीना तक है, उन विद्यार्थियों को इसके अंदर क्या है, शामिल किया हुआ है। इस सेक्शन में जितने भी विद्यार्थी शामिल हैं उनकी जो सूची है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर पहले ही कर चुका हूँ, तो एक बार आप व्हाट्सएप समूह में अपनी उपस्थिति को निश्चित रूप से पहले दर्ज करें और उसके पश्चात इस आनंदम विषय से संबंधित जो चर्चा है वो हम शुरू करेंगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि आनंदम क्या है और क्यों आपके लिए ये महत्वपूर्ण है और इसमें भागीदारी किस प्रकार से करनी है, इसके संदर्भ में ये वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि आनंदम है क्या वास्तव में। तो प्रिय छात्रों, कि सत्र 2020-21 से सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में, यानी कि राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं उनमें एक अनिवार्य विषय के रूप में एक प्रकार से आनंदम सब्जेक्ट को लिया गया है, यानी कि ये एक अनिवार्य विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस विषय के जो मार्क्स हैं वो आपके द्वारा लिए गए तीन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप यदि आर्ट्स में हैं तो आप यदि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी यदि लेते हैं तो चौथा सब्जेक्ट के रूप में यदि ये सब्जेक्ट है तो प्रतिशत निर्धारण में, यानी कि जब मार्क्स का परसेंटेज बनेगी मार्कशीट में तो उसके अंदर इसके भी अंक जुड़ेंगे। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें कि आपकी सबकी भागीदारी यहाँ पर अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, तो इसके अंदर करना यह है कि आप जैसे ही इस समूह में शामिल हो गए तो आपको क्या करना है कि दो गतिविधियां आपके लिए निर्धारित हैं। क्या गतिविधियां निर्धारित हैं? गतिविधियां यह है कि सबसे पहले तो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं और उसके बाद है समूह गतिविधियां। तो प्रत्येक विद्यार्थी को लगभग 100 पेज का एक नोटबुक यानी कि एक कॉपी ले लेवे और उस कॉपी के अंदर उसे क्या करना है, व्यक्तिगत जो उसकी गतिविधि है उसको नोट करना है, यानी कि डेली बेसिस पर। ये व्हाट्सएप समूह जिस दिन से बना है उसी दिन से आपको अपनी जो व्यक्तिगत गतिविधि है उसको क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है। जैसे आज मान लिया 10 दिसंबर है तो 10 दिसंबर को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो 10 दिसंबर के दिन आपने क्या आनंद प्राप्त होने वाला कोई ऐसा काम किया है उसको आपको इसके अंदर क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है, लिख करके रखना है। और दूसरी जो गतिविधि है वो समूह गतिविधि के तौर पर है जिसमें कि आपके यदि 50 स्टूडेंट हैं टोटल, तो मैं इसमें यहाँ पर 10-10 के समूह के 5 क्या बनाऊँगा, ग्रुप बनाऊँगा और उसमें से एक ग्रुप लीडर को बनाऊँगा। वो कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य होगा उसका, वो मैं आपको इसमें आगे इसी वीडियो के अंदर आगे मैं जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वास्तव में जो आपको आनंद से संबंधित जो कार्य करने हैं वो किस प्रकार से होंगे। तो पहले तो मैं आपको मार्क्स का यहाँ पर डिवीजन दे दूँ। वैसे तो ये जो दोनों जो पीडीएफ फाइल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीडीएफ फाइल मैं इस समूह में पहले ही शेयर एक बार कर चुका हूँ, आप लोगों ने निश्चित रूप से उसे पढ़ा होगा और उसे समझा होगा, फिर भी किसी प्रकार की यदि वो है तो मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि जैसे आप वार्षिक सत्र के अंतर्गत आते हैं यानी कि एनुअल स्कीम है तो टोटल ये 100 मार्क्स का है। ये 100 मार्क्स आपको 100 मार्क्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, 100 मार्क्स दिख रहे होंगे, आप 100 मार्क्स देख रहे होंगे तो उनका जो डिवीजन है वो किस प्रकार से है कि 10 नंबर का तो ये है कि आप जो डायरी या बनाओगे रोजाना वाली वो सबमिट करोगे उसके हैं, फिर आपके 20 नंबर जो आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपको 10-10 के ग्रुप में आपको लेनी है उसकी रूपरेखा जब आप भेजोगे तो उसके 20 नंबर हैं, फिर उसके बाद है आपका एक महीने के लास्ट जो वीक है उसके अंदर हम एक आनंदम दिवस मनाएंगे तो उस आनंदम दिवस में आपकी जो उपस्थिति है या आपका जो विश्लेषण है आपकी जो उसके अंदर प्रेजेंस भागीदारी है उसके 20 नंबर हैं, और फिर अंत में 50 नंबर जो है आपके वो जो प्रोजेक्ट जो आपने लिया था उसकी रिपोर्ट जो सबमिट करोगे
उसके नंबर हैं 100। तो इस प्रकार से 100 नंबर की ये पूरी गतिविधि है। अब क्या क्या गतिविधियाँ ऐसी हैं जो कि आप इसमें ले सकते हो, तो वो गतिविधियों के लिए यहाँ पर सजेशंस दिए हुए हैं जो कि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में होंगे। ये हिंदी के अंदर ये रहे आनंद विषय, ये इंग्लिश के अंदर जैसे ये दिया हुआ है इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। तो जैसे इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में क्या काम हो सकते हैं कि साहब प्लांट सैपलिंग, यानी कि आप कोई पौधा लाए और आपने पौधारोपण किया तो उससे भी आपको आनंद की प्राप्ति हुई, तो आपने अपने डायरी में नोट कर लिया कि साहब मैंने 10 दिसंबर को एक पौधा लगाया तो मुझे बहुत खुशी प्राप्त हुई। इसी प्रकार से मान लिया किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आपने रोड पास करा दिया। इसी प्रकार से आप यदि बैंक गए और बैंक में यदि किसी को आपने कोई स्लिप भरने में मदद कर दी कि साहब पैसे निकालने और आपने उसकी मदद कर दी तो वो आपको आनंद की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार की कुछ भी, ये तो एक सिर्फ एक छोटी सी एक लिस्ट है कि जिसमें कि कुछ इन्होंने मेंशन किए, बाकी आनंद आप किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि मान लिया कि आप जैसे रेलवे स्टेशन पर हो और रेलवे स्टेशन पर लाइन में लो, यदि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं तो आपने उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा और उसमें भी आपको आनंद की प्राप्ति हुई, तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो आप एक बार इस लिस्ट को भी पढ़िए और अपने से आप विचार से आपको जो भी अच्छे लगते हो उसको आपको डेली डायरी में क्या करना है, नोट करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, व्यक्तिगत जो जानकारी है, व्यक्तिगत जो उपलब्धियां आनंद से संबंधित, वो प्रत्येक विद्यार्थी क्या करेगा, एक 100 पेज की डायरी या नोटबुक कॉपी खरीदेगा और दिनांक उसी तारीख से जिस दिन से ये अपना व्हाट्सएप समूह बना उसी तारीख से रोज आना, उसने क्या काम किया है अच्छा जिससे कि उसका आनंद की प्राप्ति, उसको लिख करके रखेगा और उसको व्हाट्सएप पर क्या करेगा, वीकली शेयर कर दिया करेगा। अब बात आती है यहाँ पर कि समूह एक्टिविटी क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके इस समूह में 50 स्टूडेंट यदि हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10-10 के ग्रुप में 5 ग्रुप बनाऊँगा और उन 5 ग्रुप में से क्या करेंगे, किसी एक को हम लीडर क्या करेंगे नियुक्त करेंगे और आपको उनमें से क्या करनी है, एक प्रोजेक्ट के तौर पर एक एक्टिविटी लेनी है। अब क्या क्या एक्टिविटियाँ हो सकती हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि जैसे एंगेज इन प्लांटेशन एंड एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, यानी कि आप किसी पौधरोपण कार्यक्रम आप अपनाना चाहते हैं या जंगल वृद्धि के तौर पर आप अपनाना चाहते हैं तो उसका एक प्रोजेक्ट ले सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ये आप जैसे लिखा है कि फॉर्म ए ग्रुप ऑफ ग्रुप टू रिस्टोर वेल्स एंड स्टे वेल्स, यानी कि जो बावड़ी वगैरह हैं उन बावड़ी वगैरह के जीर्णोद्धार से संबंधित कोई कार्य कर सकते हो, या ऐसा कोई कार्य कि आपके जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे बच्चे रहते हो जिनको कि कोई मदद नहीं मिल पाती तो आप उन्हें कंप्यूटर नॉलेज दे सकते हो। इस प्रकार के कुछ भी ऐसे कार्य जो कि आप महीने दो महीने के अंदर में क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें कि कोई बेनिफिशियरी भी होना जरूरी है जिनसे कि उस कार्य से उनको मदद मिले, तो ऐसी एक्टिविटी आपको लेनी है ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर। अब उस एक्टिविटी को रिपोर्ट के तौर पर आपको कैसे देना है वो यहाँ पर फॉर्मेट दे रखे हैं, वो आपने भी निश्चित रूप से देखे होंगे। जैसे ये परियोजना का प्रारूप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी महीने के अंदर में ही आपको अपनी प्रोजेक्ट जो भी आप तय करोगे उस प्रोजेक्ट का जो प्रारूप है वो आपको देना है भर करके। ये प्रोजेक्ट का प्रारूप है, दिख रहा है ये सामने, ये प्रोजेक्ट का प्रारूप है। ये प्रोजेक्ट के प्रारूप में इसमें सबसे पहले आपका कॉलेज का नाम है, फिर जो कॉलेज की जो ईमेल है आनंदम के लिए वो हम आपको बता देंगे वो लिखनी है। परियोजना का शीर्षक, आप किस नाम से परियोजना ले रहे हैं कि साहब हम क्या पढ़ा रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षा, या हम बेटी बचाओ अभियान, या हम गरीब बच्चों को वस्त्र दान करने का काम कर रहे हैं, या हम पौधरोपण का काम कर रहे हैं इस प्रकार से संबंधित, या प्रौढ़ शिक्षा का काम कर रहे हैं इस प्रकार से उसका आप नाम दे सकते हो। मेंटर का नाम, जैसे आपके लिए मेंटर कौन हूँ, मैं हूँ, यानी कि जो टीचर आपको असाइन किए हुए हैं उनको हम मेंटर के तौर पर यहाँ पे कहा गया, तो मैं आपका मेंटर हूँ, मेरा नाम आप यहाँ लिखेंगे। आपकी कक्षा कौन सी है, तो बीए पार्ट फर्स्ट बी सेक्शन है तो वो लिखेंगे आप। और कितने पार्टिसिपेंट, तो 10-10 काम बनाएंगे तो 10 बच्चों के यहाँ पर उनके नाम आ जाएंगे, उनके हस्ताक्षर करने हैं, उनका विवरण लिखना है, संपर्क विवरण। तो ये तो फॉर्मेट किसका है, सिनोप्सिस एक प्रकार के प्रारूप का कि आप प्रोजेक्ट क्या ले रहे हो वो। और फिर जब साल के अंत में जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोजेक्ट निम्नलिखित जो प्रारूप है उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित करना है ये भी दिया हुआ है कि किस रूप से प्रोजेक्ट बनेगा। इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि प्रोजेक्ट में हम क्या करना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है उसका, कार्य का चिन्ह क्षेत्र है यानी कि कौन से एरिया में आप काम करोगे, और लक्षित लाभार्थी कितने लाभार्थी उससे लक्ष्य होंगे, यानी कि आप 50 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा या 50 व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा वो जानकारी देनी है, किस प्रकार की पद्धति आप अपनाओगे। तो ये तो वो है फॉर्मेट उसका कि जिसमें कि आप क्या है सिनोप्सिस के तौर पर यानी कि रूपरेखा दोगे अपने प्रोजेक्ट को। अब ये प्रोजेक्ट जब आपने कंप्लीट कर लिया
तो उसके पश्चात आपको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो उस फाइनल रिपोर्ट सबमिट का ये फॉर्मेट है, क्या है, वही आपका नाम है जो वो होगा ग्रुप लीडर, उसका नाम, कॉलेज का नाम, मेल का नाम, परियोजना का शीर्षक क्या है, सेवा का स्थान क्या था, मेंटर का नाम क्या है, आपकी कक्षा क्या है, और ये आपके पार्टिसिपेंट कौन कौन है। ये तो मेन फॉर्मेट है। और उसके बाद में डिटेल इसकी कि प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट आपने सबमिट करी है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। प्रस्तावना लिखोगे कि क्या प्रोजेक्ट था, कैसे था, किस प्रकार से विचार आया, आपने क्या किया और कैसे हमने इसको सबमिट किया। ये आभार, यानी कि किन किन लोगों के द्वारा आपको इसमें मदद प्राप्त हुई, तो आप जिनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हो। परियोजना का परिचय, परियोजना क्या थी आपकी, उद्देश्य, उसमें आप उद्देश्य के पॉइंट दे रखे हैं, तो सबके बारे में आप यहाँ पर एक एक दो दो पेज आप यहाँ पर लिखोगे, तो कुल मिला के आपकी एक यहाँ पर ये 6-7 पेज की एक रिपोर्ट जैसी बन जाएगी। आपके छात्रों के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर और ये रिपोर्ट आपको सबमिट कर देनी है। आप इसके अंदर देखोगे तो 20 फरवरी इसके लिए तारीख निर्धारित की हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आनंद से संबंधित जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर आपको मैंने आज शेयर की है। तो सबसे पहला आपका जो काम है वो काम यही है कि इसमें 51 से लेकर के जो 100 तक के जो विद्यार्थी हैं जो अभी इस व्हाट्सएप समूह में सारे के सारे सम्मिलित नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ जब मैंने नंबर ऐड किए हैं तो उनको मैंने ऐड करने पर केवल 34 के वो व्हाट्सएप दिखा रहा है। तो आप अपने इन साथियों को भी ढूंढ करके उन्हें इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, और जो इस व्हाट्सएप समूह में जुड़ चुके हैं वे अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटी को लिखना और उसे शेयर करना मेरे से आज ही निश्चित करें। मैं एक दो दिन के अंदर में आपके ग्रुप है वो बना करके इसके अंदर शेयर कर दूंगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर आप जब भी इसके अंदर कोई चीज़ शेयर करें, तो हमने यहाँ क्या किया है कि मैंने कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप लोगों को एक कोड के तौर पर इसके अंदर सेव किया है। कैसे सेव किया है कि जैसे मैंने लिया है किसी का नाम, यदि मोहित मीणा है तो मैंने उसको कैसे सेव किया उसको कि वो आनंदम ग्रुप में है तो ए ले लिया, सेक्शन बी में है तो बी ले लिया, और उसका नाम यदि लिस्ट के अंदर 67 नंबर पर है तो मैंने 67 ले लिया। तो मोहित मीणा का कोड क्या हो गया, AB67। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर ये है आपके, यहाँ पर मान लीजिए मनीष सैनी है, ये 70 नंबर पर है, मनीष सैनी 70 नंबर पर, तो मनीष सैनी का कोड क्या, मनीष सैनी का कोड क्या हो गया, A4 आनंदम, B4 B सेक्शन और 70, तो AB70। तो जब मनीष सैनी कुछ भी यहाँ पर शेयर करेगा तो वो क्या लिखेगा कोड नंबर अपना, AB70, और फिर अपनी जो फोटो है या वीडियो कोई भी है वो उसे शेयर करेगा। ध्यान रखिए कोई भी काम आप डेली का यदि कर रहे हैं तो वो वीकली या किसी डेली बेसिस पर यदि व्हाट्सएप ग्रुप पे आप यदि शेयर करते हो तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आप उसे शेयर कर सकते हो। लेकिन आप ग्रुप के बारे में बनाना सोचें, आप खुद भी अपनी तरफ से बना करके मुझे बता सकते हैं कि सर हम ये 10 इसमें से हम आपस में ये ग्रुप हम बनाना चाह रहे हैं तो हम उसे आपको अलाउ कर देंगे, और उस ग्रुप के लिए आप अपनी ये कोई भी प्रोजेक्ट जो तैयार करना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं तो वो आप उसमें काम कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम 2-3 दिन में फिर वापस कभी मिलेंगे, और हुआ संभव तो हम किसी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हम आपस में एक साथ संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पर हम चैटिंग हमारी कंटिन्यू रखेंगे। किसी को भी किससे संबंधित कोई यदि और जानकारी यदि चाहिए तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करके शेयर करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस न्यू सब्जेक्ट आनंदम। थैंक यू। ओके सर।